आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली हुए हैं तलब, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला आया सामने, 7 वर्षीय बच्चा हुआ संक्रमित। पंजाब में टोल प्लाजा नहीं हुए हैं चालू, रेट बढ़ाने के विरोध में किसान संगठन धरना हटाने से किया इनकार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, मंत्री असलम शेख ने क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जारी किया आदेश। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे जेपी नड्डा, कहा करोड़ों भारतीयों का सपना हुआ पूरा। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। वहीं विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। आरोपियों के घेरे में आए टेनी अब अभद्रता करने पर उतारू है। लखीमपुर खीरी में जब आज एक पत्रकार ने मंत्री से SIT जांच को लेकर सवाल पूछ लिया तो वे भड़क गए, हाथापाई करने लगे। इसी कड़ी में रिपोर्टर को डराने धमकाने की भी कोशिश की गई। वहीं मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद कराने की भी मंत्री साहब ने कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया है। वहीं इसी मुद्दे पर राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अजय कुमार लल्लू जी, जिनसे हम जानेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी, आज जो लखीमपुर खीरी में SIT की जांच के सवाल पे जो रिएक्शन आया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना था, घमंड चढ़ चढ़ के बोल रहा है। और जो सरकार निरंतर पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, वो तो आप सब लोगों ने देखा। जब प्रियंका गांधी जी मिलने जाना चाहती हैं, उनको रोक लिया गया, लाकर सीतापुर में बंद कर दिया गया। एक पत्रकार साथी ने नमक रोटी के सवाल को मिर्जापुर के मामले को उठाया था, क्या हुआ याद है आपको? उसको जेल भेज दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब SIT ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या के आरोपी और दोषी पिता और पुत्र हैं, गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा आशीष मिश्रा, तो फिर बर्खास्तगी क्यों नहीं? सावधान, अभी प्रधानमंत्री जी लाइट एक्शन कैमरा में व्यस्त है, जब ब्रांडिंग से और पिक्चर से खाली हो जाएंगे तो फिर शायद उत्तर प्रदेश के और देश के बारे में सोचें। पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह उतावलापन, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मुद्दे को कल कांग्रेस पार्टी सदन में उठाएगी। जी, आज आप प्रदर्शन किए हजरतगंज में, उस पे कुछ बताइए कि क्या कौन-कौन? बस यही मांग था जो मिश्रा टेनी को बर्खास्त करें, कल भी करेंगे, पूरे प्रदेश में होने जा रहा है यह प्रदर्शन। तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इसको प्रदर्शन कल करेंगे, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। जी, अभी मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस के UP प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू जी, जिनके जिन्होंने बताया कि साफ तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेगी। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु प्राइम। वही हमारी अगली खबर उन्नाव से है, जहां सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय समेत 44 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सदर कोतवाली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने 5 करोड़ जनता से 2 लाख करोड़ से अधिक का गबन और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही एक टीम मुकदमे के आधार पर गैर जनपद को रवाना हो गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद सहारा कंपनी में काम करने वाले एजेंट में भी हड़कंप मचा हुआ है। जनपद उन्नाव के कोतवाली थाना में
अजय टंडन जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं उनकी तहरीर पर सुब्रत राय समेत 44 व्यक्तियों के विरुद्ध पैसा रुपया का गबन करना धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर रैंक के एक वरिष्ठ विवेचक द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे प्रकाश में। वही सहारनपुर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। सहारनपुर में अभी तक 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसके बाद 11 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर लकड़ी की बल्लियां लगाकर घरों पर पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि इस समय वैक्सीनेशन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, हम वार्ड्स में जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, साथ ही महानगर के सभी पार्षद भी अपने सेक्टरों में हो रहे वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। इसके अलावा बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, वार्ड निगरानी समिति उन पर नजर बनाए हुए है। लोगों ने 11 जगह ये बनाया है कंटेनमेंट जोन, और हम लोग पूरे अभियान चला करके अभी फिलहाल हम लोगों का वैक्सीनेशन पे जोर है। हम लोग अभी हर वार्ड में जा करके वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे पार्षद जी भी बैठे हुए हैं और सब पार्षद भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। इसके अलावा जो लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी हमारी वार्ड निगरानी समिति देखरेख कर रही है, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसका प्रॉपर हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और क्वारंटीन कर रहे हैं उनको। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति हैं जिनकी सूचना मिल रही है कि कोरोना मतलब पॉजिटिव हो गए हैं, उनको हम लोगों ने ज़रूर वेरिकेटिंग करा करके लोगों को चूँकि जागरूक करने के लिए कि लोग अभी भी समय है इनको और अपने को सुरक्षित रखें, और जो कोरोना के गाइडलाइन आई है और जो लोगों को बताया जाए। वहीं बलरामपुर के उतरौला नगर में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भारत माता की 75 मीटर का विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारत माता की जय वंदे मातरम की गूंज के साथ कई विद्यालय के छात्र छात्राओं, भाजपा, हिंदू युवा वाहिनी, स्वयंसेवक व विभिन्न संगठनों के लोग तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंचे। इस अवसर पर नगर में सम्मानित लोगों ने तिरंगा यात्रा में भाग लेने वालों पर पुष्प वर्षा कर सभी का उत्साहवर्धन किया। तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से मुख्य मार्गों पर होते हुए आसाम रोड चौराहा, बाबा फक्कड़ मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। वहीं पर प्रसाद वितरण करके इसका समापन किया गया। उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा और उनकी धर्मपत्नी, समाज सेवक देवानंद गुप्ता, पूर्व चेयरमैन अनूप गुप्ता, रामदयाल यादव, भाजयुमो नगर अध्यक्ष रोहित गुप्ता, महामंत्री महेश गुप्ता व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को भव्य बनाने में पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। वही औरैया जनपद में जिलाधिकारी की तरफ से अलग अलग जगहों पर जाकर राशन डीलरों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया और वितरण का जायजा लिया गया। इस बार प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी राशन उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग स्कीमों के तहत राशन वितरण की योजना लोगों के बीच चलाई है, जिसके तहत जिलाधिकारी ने अलग अलग राशन डीलरों पर जाकर राशन वितरण का जायजा लिया और जांच करते हुए ये सुनिश्चित किया कि जितना राशन सरकार ने गरीबों और राशन उपभोक्ताओं में बांटने के लिए सुनिश्चित किया है। इसी के साथ जनपद में अलग अलग दुकान पर अधिकारी जायजा लेने पहुंचे हुए थे। आज सर आपका राशन डीलरों का भ्रमण हुआ, क्या उद्देश्य है सर? मेन उद्देश्य यह है कि हमारा जो वितरण हो रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त वितरण हो रहा है, जो NFSA एक्ट के तहत जो हमारे कार्ड धारक हैं, चाहे पात्र गृहस्थी वाले हों चाहे अंत्योदय वाले हों, उन सबको जो मंत्री राशन है वो मुफ्त में दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत भी उतना ही राशन जितना पहले मिलता था, मतलब एक तरह से डबल राशन उनको बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा तीन अन्य वस्तुएँ भी इसमें ऐड की गई हैं। एक है 1 किलो नमक है, 1 किलो चना है साबुत, और साथ में 1 किलो दाल है और 1 किलो तेल है, रिफाइंड जो सरसों का तेल है वो दिया जा रहा है। तो 3 कम्युनिटी और इसमें मुफ्त में ऐड की गई हैं। यह सारा वितरण सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत मुफ्त में हो रहा है, किसी प्रकार का कोई इसमें पैसा।
वहीं मैनपुरी में पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने अपराधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। आदेश पर टीमें बनाई गईं और आज ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अपराधी भूपेंद्र कहे जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए वांछित के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। 10/12/2021 को रात लगभग 8 बजे एक सूचना आई कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। इस सूचना पर थाना दन्नाहर में एक 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस तब से प्रयास में लगी हुई थी। आज जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी उसको दन्नाहर पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उसका नाम भूपेंद्र रूप चुक्खा है जो लखीमपुर खीरी के ऑयल स्थित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक वीडियो में पत्रकारों से अभद्रता करते हुए दिखाई दिए हैं। हिंसा मामले में अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के सवाल पर अपना आपा खो दिया। टेनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्द बोले। इस मामले पर पत्रकारों ने घटना का विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। पत्रकारों ने मांग की है कि आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक बजे मुझे भी ये वीडियो प्राप्त हुआ और मैंने उसको देखा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा देश और उस देश की सरकार के गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर खीरी से सांसद, वरिष्ठ नेता अजय कुमार मिश्र टेनी ने जो कुछ भी कहा है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, पूरी मीडिया को चोर कहा है और ये भी कहा है कि मीडिया निर्दोष को फंसाने। फरुखाबाद में दबंगों ने दिव्यांग के साथ जमकर मारपीट की। दबंग नारद और उसके पिता ने परिजनों के समेत दिव्यांग कुलदीप और उसकी पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट की। मारपीट को लेकर कहा गया है कि दिव्यांग कुलदीप का दबंग से पुराना विवाद था जिसकी वजह से दबंग ने पीड़ित के साथ मारपीट की है। अब पूरे मामले में दिव्यांग की पत्नी ने SP अशोक कुमार मीणा को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रंजीत। ये कौन है आपके? भतीजा। क्या नाम है इनका? कुलदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? किसान नगर, आमंती आई नगर। थाना कौन सा पड़ता है? ममदाबाद। क्या घटना हो गई थी इनके साथ? घटना की वो लड़का गया इनके घर पे, इनकी बीवी से कुछ हरकत बजी की, उसने आवाज मारी तो ये गया भाग कर, इसको लात घूंसों से डंडों से मारा। वहाँ से हमने एम्बुलेंस। किन लोगों ने मारा? नारद। अच्छा, पुलिस विभाग को आपने सूचना दी इस घटना के बाद? सूचना दी, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ कर लो कृपा कर लो जाके, एप्लीकेशन वापस दे दी। एप्लीकेशन हमने उसकी बीवी से दोबारा दिलाई जाके। अच्छा, अभी सुनवाई तब भी कुछ नहीं हुई। अच्छा, अभी आप कहाँ आए हैं? लोहिया अस्पताल। अच्छा, अभी तक कोई फरीदाबाद में दबंगों में पुलिस का खौफ अब दिखाई नहीं दे रहा है। दबंग सरेआम गुंडई करने की तस्वीरें उनकी अब वायरल होती दिखाई दे रही है। वहीं अब दबंग CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। दबंगों ने पार्किंग को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया और ये CCTV में पूरी घटना कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक की पिटाई की गई। सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल ने सैलरी मांगने पर शिक्षक की पिटाई कर दी। बता दें कि शिक्षक लगभग 3 साल से सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ रहा था। 3 महीने पहले कुछ कारणवश सेंट थॉमस स्कूल से पढ़ाना छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा था। वही शिक्षक की कुछ सैलरी बाकी रह गई थी।
पीड़ित शिक्षक ने बताया कि बकाया सैलरी मांगने के लिए वो गया हुआ था, तो प्रिंसिपल जोसेफ हारिश रिचार्ड ने कुछ लोगों को बुलाकर उसके साथ पिटाई की। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर सदर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। मेरा नाम लव कुमार गुप्ता है और मैं मुगलसराय से सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाने आता था। लो जी, क्या है मामला, किस बात को लेकर आज आप थाने आए थे? वो मैं बीती गत 3.5 साल से सेंट थॉमस में पढ़ा रहा था, तो आप मेरा मैंने बीच में किसी कारणवश इन्होंने मानसिक प्रताड़ित किया मुझे और मुझे विद्यालय छोड़ने पर मजबूर किया जी। उसके बाद इन्होंने इनको मैंने बहुत बोला, 2-3 महीना पहले इनका विद्यालय मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे 9-13 तारीख का समय दिया था विद्यालय से फीस पेमेंट, 9 दिन का फीस पेमेंट बाकी था, लगभग 5100 रुपया इन्होंने देने के लिए बोला था मुझे, आगे अपना पेमेंट ले जाना। मैं किसी कारणवश इनके विद्यालय उस दिन नहीं जा पाया, मैं उस अगले दिन विद्यालय लेने गया, विद्यालय से अगले दिन लेने गया जब पेमेंट, तो इन्होंने मुझे अपने। वहीं बिजनौर में छात्राओं के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक की तरफ से छात्राओं के नंबर पर अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक मैसेज के रिसोर्ट जो है सोशल मीडिया पर जो है वो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। लेकिन यह एक शिक्षक की तरफ से छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजकर शिक्षक के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला है। बिजनौर के वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक अशरत की तरफ से कॉलेज की छात्राओं को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए, जिसके अब स्क्रीनशॉट तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक और छात्रों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। बिजनौर के वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक अरशद के द्वारा कॉलेज की छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज किए जा रहे थे। कल कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में, तत्परता से शिक्षक की गिरफ्तारी की गई, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही। सरकार की तरफ से इस बार कार्ड धारकों को गेहूं के साथ साथ चना, नमक और रिफाइंड का तेल भी निशुल्क दिए जाने का वादा किया है, जिसको पाकर कार्ड धारक खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नगर में योगेंद्र श्रीवास्तव के कंट्रोल पर क्षेत्रीय कार्ड धारकों ने लाइन लगाकर अपना राशन लिया। रायबरेली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ कार्ड धारकों को सख्त निर्देश दिए गए कि कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जाए और वैक्सीन के प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर आए। कार्ड धारक विनय वर्मा ने बताया कि इस बार जिस तरह से राशन के साथ साथ कुछ जरूरी वस्तुएं निशुल्क दी जा रही हैं, कार्ड धारक इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कंट्रोल में आया हूँ राशन खाद की दुकान में। कहाँ पे, किस जगह पे है ये? सतनगर में ही है। क्या क्या मिला फ्री आज आपको? ये हमें आज गेहूँ, रिफाइंड, 1 किलो चना, नमक फ्री मिला। ये राशन क्या हमेशा फ्री मिलता रहेगा आपको? अब जो स्कीम आई है उसके आपको तो लग रहा है कि 4-5 महीने तो मिलेगा। ये क्या नाम है आपका? योगेंद्र किशोर श्रीवास्तव, कोटेदार, नया पुरुआ, रायबरेली। आज राशन बांट रहे हैं आप जी? क्या सबके वैक्सीन लगी है? जी अधिकतर सबके वैक्सीन लगी है। राशन में क्या क्या बांटे हैं आज आप? राशन में गेहूँ चावल मिल रहा है जो नियमित रूप से मिलता है, चना, नमक और रिफाइंड फिर मिल रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता मिश्रा है और हम यहाँ के नोडल भी हैं, तो जो राशन बंटवा रहे हैं और फ्री में नमक, चना, रिफाइंड गेहूँ और चावल दे रही है, इसके लिए जो है अच्छा काम सरकार कर रही है, इसलिए जो है इसको लगातार जो है पब्लिक को देना चाहिए और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जो कि इतनी अच्छी योजना चलाई है, इसके लिए धन्यवाद। वही देवरिया के रामपुर का थाना में मासूम विवेक का अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए मासूम विवेक को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए मासूम को बरामद कर लिया है। वही कड़ी मशक्कत के बाद ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है। वही अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र के गांव पंडकी में गरीब मजदूर का आशियाना बर्बाद हो गया। खाना बनाते समय गरीब मजदूर का आशियाना जलकर खाक हो गया।
मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करता था। आगे मजदूर गंगा शरण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी बार उसने आवेदन दिया ताकि उसे आवास मिल सके, लेकिन आज तक उसे इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अभी गांव वालों ने प्रशासन से मिलकर गुहार लगाई है, मजदूर गंगा शरण को उचित मुआवजा दिया जाए जिससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। कहाँ की रहने वाली? क्या घटना हुई थी? सर मैं खाना बना रही थी, पानी लेने को गई थी, गैस से लग गई थी आग। क्या क्या जला? क्या क्या जल गया? सारा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। चार ढोर थे और छोटा परिवार था मेरा, 10 साल से रह रही मैं मंडिया में। सारा सामान जल गया, मेरा कुछ नहीं बचा, एक जान से अलावा मेरी। बता। 20,000 रुपए भी थे बक्से में रखे थे हमने, वो भी सारे जल गए और मेरी चीजें भी थी। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त तो विकास अरोड़ा द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश जारी किए गए, जहां क्राइम ब्रांच 85 की टीम ने दिल्ली के मशहूर गैंगस्टर बॉबी के दो गुर्गों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम सोनू उर्फ गोपा, रोहित, अमरेश तथा बबलू उर्फ गुड्डू है। कुछ समय पहले आरोपी गैंगस्टर बॉबी ने दिल्ली के अनुज नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसमें आरोपी बॉबी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में आरोपी बॉबी के खिलाफ दिल्ली के प्रेमनगर में रहने वाले दो गवाहों की गवाही 24 दिसंबर को दिल्ली कोर्ट में होने वाली थी। इसी के चलते आरोपी बॉबी ने जेल से इन दोनों गवाहों की हत्या करने का संदेश अपने गुर्गों को भिजवाया था। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की रोकथाम और अपराधों की धरपकड़ जो है वो उस पर अभियान जारी है। हथगांव थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के खेत में रखवाली करने गए किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या के संबंध में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में बने प्रतीक्षालय से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू समेत कुल्हाड़ी को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया। गांव जनपद फतेहपुर में 12 तारीख की रात में ये गणेश प्रसाद साहू की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी गई थी। आज थाना गांव की पुलिस ने इसका सफलतापूर्वक अनावरण किया है और इसमें शामिल तीन लोगों की गिरफ्तारी की है और आला कत्ल की बरामदगी की है और इनके इस सराहनीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए 10,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की जाती है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। वहीं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से घोषित आंदोलन के तृतीय चरण के सातवें दिन कार्य का बहिष्कार किया गया। गाजीपुर में डॉक्टर ओमकार नाथ पांडे की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। कार्य बहिष्कार में उपस्थित सभी चीफ फार्मासिस्ट और इंटर्नी ने एक स्वर में कहा कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर फार्मासिस्टों की 20 सूत्रीय मांगों पर तत्काल शासनादेश जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो 17 दिसंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें पोस्टमार्टम आकस्मिक सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। वही सीतापुर के मोहल्ला ठीक पूर्वा में दो पक्षों के बीच कुछ कहासुनी को हुई थी, जिसके बाद अब दोनों पक्षों में लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान एक की मौत का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई। असंतुष्ट घर वालों ने कार्रवाई न होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। और संतोष मारिन वह जैसे दवाई लड़के आज कल खत्म हो गए। सौ नंबर हमारे यहाँ भैया जब खत्म होगा 100 नंबर मिलाई पुलिस गाड़ी भी आई, पुलिस भी आई, अब कुछ ना। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।